दुनिया में ऐसे कई अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो अपने नायाब खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जो अपने अनोखेपन के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। आपने समुद्र तो जरूर देखा होगा। समुद्र के किनारे समय बिताना काफी सुकूनदायक होता है और ये मन को प्रसन्न और दिमाग को शांत रखता है। लेकिन क्या आपने कभी रेड बीच के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समुद्री तट भी है जो पूरी तरह से लाल दिखता है? नहीं ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे समुद्री तट के बारे में जो पूरी तरह से लाल दिखता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। चीन के पंजिन नामक जगह पर दुनिया का सबसे मशहूर रेड बीच मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहां समुद्री तट पूरी तरह से लाल दिखता है। इसी वजह से यहां बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग की जाती है। रेड बीच का पूरा तट लाल दिखता है। पहली नजर में यह किसी अजूबे से कम नहीं लगता। इसे देखकर लगता है यहाँ चारों तरफ लाल पानी बिखरा है। रेड बीच देखने में बेहद खूबसूरत दिखता है और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। दरअसल इस तट के लाल दिखाई देने के पीछे भी खास वजह है। यहाँ पर विशेष प्रकार के घास पाए जाते हैं जो शुरू में हरे होते हैं लेकिन धीरे धीरे गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। अप्रैल मई के आसपास इनका ग्रोथ शुरू होता है और इनका शुरुआती रंग हरा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये लाल रंग में बदल जाते हैं और सितंबर से दिसंबर के बीच में यह गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। ये पूरी समुद्री तट इस कदर फैल जाते हैं जैसे मानो पूरा का पूरा तट रेड कारपेट से ढका हुआ हो। इस बीच की खासियत यह है कि यहाँ पर 260 से ज्यादा किस्म के पक्षी और 399 से अधिक तरह के जंतु पाए जाते हैं। 1988 में इस जगह को स्टेट लेवल प्रोटेक्शन एरिया घोषित कर दिया गया। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर माना जाता है क्योंकि इस वक्त तक घास का रंग पूरी तरह से गहरा लाल हो जाता है। रेड सी बीच एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस जगह पर टूरिस्ट रिजॉर्ट भी बनाए गए हैं। बीच तक पहुंचने के लिए 680 मीटर लंबा जिगजैग ब्रिज भी बनाया गया है जो 519 लकड़ी के खंभों पर खड़ा है। ब्रिज पर खड़े होकर देखने से आसपास का पूरा तट लाल दिखता है, इसी वजह से इसे रेड सी बीच कहा जाता है। आपको बता दें कि रेड सी बीच दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है। रेड सी बीच पूरी दुनिया में अपनी नायाब खूबसूरती के लिए जाना जाता है और अक्टूबर महीने में हजारों की संख्या में लोग यहाँ लाल समुद्री तट देखने आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ रेल और रोड सेवा भी विकसित की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।